किसी भी इमेज में कलरफुल आउटलाइन लगाएं canva.com की मदद से। आइए जाने कैसे। सबसे पहले हम जाएंगे canva.com पर। यहाँ पर जैसे हमें इस वीडियो का थंबनेल बनाना है तो ये टेम्पलेट हम सेलेक्ट करेंगे। इस टेम्पलेट में देखिए आप देख सकते हैं कि सब कुछ पहले से सेट है, केवल बस यहाँ पर एक इमेज लगानी बाकी है। तो हम जाएंगे अपलोड्स ऑप्शन पर। अपलोड्स में कुछ इमेजेस हैं लेकिन हम एक इमेज उठाएंगे डेस्कटॉप से जिसका हमने बैकग्राउंड भी रिमूव कर दिया है। जब तक इमेज अपलोड हो रही है आपको ये बता दें कि इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए remove.bg से भी बढ़िया ऑप्शन है pickwish.com। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि ये इमेज यहाँ पर आ गई, हमने इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर लगा दिया और अब इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा और फिर दोबारा स्ट्रेच करेंगे। हाँ, अब देखिए ये सही साइज में आ गई है। अब इसके बाद हम फोटो को सेलेक्ट करके एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सामने आपको शैडोज का ऑप्शन दिखेगा, यही शैडोज का ऑप्शन आपको नीचे दिखेगा जिसमें आपको ग्लो को सिलेक्ट करना है। ग्लो को हमने सेलेक्ट कर लिया। आप देखेंगे एक ब्लैक बॉर्डर सा कुछ इसमें बन गया है लेकिन अभी कुछ साफ नहीं पता चला है। दोबारा हम इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ब्लैक के बजाय येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे। वैसे आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन हम येलो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अब इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साइज, ट्रांसपेरेंसी और ब्लर का ऑप्शन है। ब्लर को आपको एकदम जीरो पर रखना है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी को कर दीजिए आप एकदम फुल और फिर साइज को बढ़ाइए धीरे धीरे। ये देखिए आप आउटलाइन बन गई। थोड़ा सा इसे हम कम कर देंगे जैसे कि सही साइज में आ जाए। इतना साइज मेरे ख्याल से ठीक है, अच्छा लग रहा है। अप्लाई कर दीजिए, इसके बाद हो गया, ये इफेक्ट लग गया। इमेज थोड़ा सा देखने में डल लग रही है इसलिए अब हम इस पर एक फिल्टर लगा देंगे, ये सोलर फिल्टर। हाँ, अब देखिए एक बढ़िया ब्राइट इमेज भी बन गई। ठीक है, अब इसमें अब देखिए एक बोनस टिप ये है कि इस इमेज पे हम एक और आउटलाइन लगा सकते हैं। दोबारा हम ग्लो पे क्लिक करेंगे और हम कोई कलर सेलेक्ट करते हैं जैसे कि ब्लू, और इसको अब देखिए हम ब्लर को फिर से कर देंगे ज़ीरो, साइज को बढ़ाएंगे, लेकिन ये कलर थोड़ा सा डल लग रहा है, इसको हम इसकी बजाय हम दूसरे कलर लेंगे, रेड को सेलेक्ट करते हैं। हाँ, रेड आ गया। ठीक है, तो और अब हम साइज को बढ़ाएंगे, ट्रांसपेरेंसी को कर देने हैं फुल। हाँ, ये देखिए बढ़िया रेड बॉर्डर भी बन गया। थोड़ा सा साइज ज़्यादा है, इसको हम कम करेंगे और कम। हाँ, बस देखिए डबल आउटलाइन आपकी बन गई। और इसके बाद एंड में हम इसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये, और बस आपकी इमेज डाउनलोड होने के लिए तैयार है। canva.com के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।